हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर, मैं विजय ठक्कर। आज मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हूँ एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करने के लिए। उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक मैंने रिसेंटली अपने एक वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट अभी क्रैश कर रहा है तो हमें कौन से स्टॉक्स ख़रीदने चाहिए। उसमें से एक कोटक महिंद्रा बैंक था। उसका जो मेरा बाइंग रेंज था, वो बाइंग रेंज मेरा 1110 और 1150 के आसपास था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोटक महिंद्रा बैंक का डेली चार्ट है। हम लोग इसको थोड़ा जूम करके देखेंगे। आज रिसेंटली कोटक बैंक ने आज ही मतलब लो मारा था 1020 रुपये का, और उसके बाद उसने एक अच्छा अपसाइड मोमेंट दिखाया जो क्लोज़ हुआ 1183 पे। तो अभी यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, क्या इसके टारगेट्स है, क्या कमिंग स्टॉप लॉस है, आज हम लोग ये चार्ट में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको पहले तो डेली से वीकली फ्रेम में शिफ्ट करूँगा। इसका जो वीकली फ्रेम है, वीकली फ्रेम में अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे कोटक बैंक बहुत सारे टाइम से ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था। कोटक बैंक ने एक ब्रेकआउट दिया था, एक बार ट्राई किया था ब्रेकआउट के लिए। आपको मैं दिखा देता हूँ, कोटक बैंक ने एक बार जो यहाँ पर ट्राई किया था, तभी उसने ट्राई किया था, उसने ब्रेकआउट नहीं कर पाया। तभी उसका दिस वॉज द 2017 के बाद कोटक बैंक ने फिर से एक बार ट्राई किया था यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए इन द ईयर ऑफ 2018 जनवरी में उसने ट्राई किया था ब्रेकआउट करने के लिए 1114 का लेवल। उसके बाद कोटक बैंक ने इन द मंथ ऑफ यहाँ पे उसने ब्रेकआउट किया इन द मंथ ऑफ अप्रैल के बाद, वो ब्रेकआउट करने के बाद उसने ऑलमोस्ट उसने हाई मारा था 1400 का। अभी 1400 से वापस से वो करेक्ट होके आ चुका है अपने नियर टू ब्रेकआउट लेवल के लिए। तो जनरली इसे हम लोग रीटेस्ट स्ट्रैटेजी कहते हैं। एक स्टॉक जो लेवल पे ब्रेकआउट करता है, जो ये उसका लेवल था, उसके बाद वो वापस से एक रैली करने के बाद वापस से वो लेवल पर रीटेस्ट करता है। अगर वो रीटेस्ट करने के बाद सस्टेन करके और ऊपर जाता है तो चांसेस है कि वो प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दे, और ये केस में सेम ही हुआ है। ये वीकली चार्ट है। अभी आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, इसका टारगेट क्या रहेगा। तो अगर हम लोग इसका स्टॉप लॉस देखना चाहेंगे तो इसका स्टॉप लॉस विल बी नियर टू दिस लो। इसका स्टॉप लॉस आप रख सकते हो 1115। तो 1015 के स्टॉप लॉस से अगर आप बाय करोगे तो मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा इसका 1300, उसके बाद रहेगा 1314, उसके बाद मेरा जो फाइनल टारगेट रहेगा विच इज़ 1400+। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी अच्छी खासी है कि ये स्टॉक में हम लोग को 30% रिटर्न मिल सकता है इन शॉर्ट टर्म ट्रेड। तो ये मेरा आज का, मैंने सोचा कि कोटक बैंक अच्छा एक रिटेस्ट लेवल पे आ रहा है तो मैंने आपके साथ एक चार्ट डिस्कस किया। अगर आप चाहते हो कि फर्दर में आगे कोई चार्ट रिलेटेड, कोई स्टॉक कि कोई आपका जो सजेशन हो उसके रिलेटेड हम कोई चार्टिंग करें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो नीचे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।